हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हैं सब लोग? उम्मीद करते हैं सभी बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड्स, मैं हूं पूनम तोमर और मैं आपका अपने चैनल में एक बार फिर से स्वागत करती हूं। तो फ्रेंड्स, कुछ लोगों के मैसेज आए हुए हैं कि हैंड वॉश क्लोथ करें, तो मैं ट्राई करती हूँ कपड़े हाथ से धुलने की। वैसे हमने धुल रखे हैं पहले, लेकिन अब तो काफी टाइम से वॉशिंग मशीन में ही कपड़े धुले जाते हैं। तो मैं आज धुलकर दिखाती हूँ कि मैं किस तरह से हाथ से कपड़े धुलती हूँ। तो प्लीज वीडियो को पूरा जरूर देखें, और वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो का एंजॉय उठाएं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज वीडियो देखें कि किस तरह से मैं कपड़े धुलूंगी। और वैसे हाथ से धुले कपड़ों की बात ही अलग होती है। तो फ्रेंड्स, ये हैं हमारे कपड़े जो मैं वॉश करूँगी। कल था बृहस्पतिवार, थर्सडे, तो थर्सडे में मैं कपड़े वॉश नहीं करती हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ कपड़े कलरफुल हैं और कुछ हैं वाइट। तो मैं जो लाइट कलर के और वाइट कपड़े अलग कर लूँगी, और जो कलरफुल कपड़े हैं उनको अलग कर दूँगी सबसे पहले। उसके बाद ही हम इनको पानी में डिप करेंगे। तो यहाँ पर मैं कपड़े कर रही हूँ अलग, कलर कपड़े अलग कर लूँगी, और ये जो लाइट कलर के हैं और जो वाइट कलर के कपड़े हैं उनको अलग कर लूँगी। यहाँ पर हमारे कपड़े अलग अलग हो गए हैं, लाइट कलर के अलग और डार्क कलर के अलग। अभी मैं पहुँच गई हूँ बाथरूम में, और मैंने टब बाल्टियाँ लगा ली हैं, कपड़ों को अलग अलग करके रख लिया है। तो यहाँ पर मैंने एक बाल्टी भर ली है, उससे मैं एक टब में पानी लूँगी और एक बाल्टी में, तो दो जगह मुझे अलग अलग कपड़ों को सर्फ में भिगो कर रख दूँगी। तो यहाँ पर ये नॉर्मल पानी ही मैंने लिया है, जितना पानी लगेगा, मतलब जितने पानी में कपड़े डूब जाएंगे उतना पानी ही मैं लूँगी। और ये दूसरी तरफ गर्म पानी है, इसमें से भी मैं दो दो मग्घे गर्म पानी डाल लूँगी। इससे कपड़े बहुत अच्छे से साफ़ होते हैं। और ये है सर्फ एक्सल। तो यहाँ पर मैंने एक मुट्ठी सर्फ वाइट कपड़ों के लिए और एक मुट्ठी सर्फ डार्क कलर के कपड़ों के लिए डाल दिया है पानी में। और मैं पानी दोनों तरह का मिक्स कर दूँगी और इसमें सर्फ को अच्छे से मिक्स कर दूँगी। ये मैंने साबुन रख ली है, सर्फ एक्सल की साबुन है, इसी का मैं इस्तेमाल करती हूँ। तो सबसे पहले मैंने सर्फ को पानी में अच्छे से घोल दिया है हाथों से, और ये जो लाइट कलर के और वाइट कपड़े हैं इनको मैंने कर दिया है पानी में डिप, और इनको अच्छे से अलट पलट कर दबा दबा कर कुचल कर बिल्कुल अच्छे से इनको मैं इसी में भिगो कर छोड़ दूँगी। और दूसरी तरफ जो मैंने पानी लिया है बकेट में, तो इसका सर्फ भी मैं अच्छे से घोल दूँगी, और जो कलरफुल कपड़े हैं उनको उसमें डिप करके 20 मिनट के लिए दोनों कपड़ों को छोड़ दूँगी। 20 मिनट बाद ही हम इन कपड़ों को करेंगे वॉश। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने कपड़ों को ऊपर छोड़ दिया था, लगभग 20 मिनट हो चुके हैं, अभी मैं इनको वॉश कर लेती हूँ। तो फिर से मैं एक बार इन कपड़ों को अच्छे से पलट लूँगी, जिससे इनकी गंदगी होती है वो सब पानी में निकल जाएगी, और कपड़े हमारे काफ़ी हद तक साफ़ हो चुके हैं पानी में डिप करने के बाद। अभी मैं पहले जो हमारी सैंडोज होती हैं इन लोगों की, पहले तो इनको मैं वॉश करूँगी ऐसे ही हाथों से, और बाकी जो कपड़े होंगे जिन पर ब्रश लगाने की ज़रूरत पड़ेगी तो मैं साबुन लगा कर ब्रश भी लगाऊँगी। तो मैंने दोनों कपड़ों को अलट पलट कर दिया है। सबसे पहले मैं बच्चों की ये जो सैंडोज होती हैं इनको वॉश कर दूँगी हाथ से ऐसे ही मलकर, और उसके बाद जो कपड़े पर ब्रश लगाने की ज़रूरत पड़ेगी तो उस पर ही मैं साबुन लगा के ब्रश लगाऊंगी। तो यहाँ पर बच्चे की है सैंडो जो गंदी है थोड़ी, तो इस पर मैं इस तरह से साबुन लगा कर अच्छे से वॉश कर दूँगी। तो आप वीडियो का एंजॉय उठाएँ, आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं कपड़े को इस तरह से मलती रहूँगी, और साबुन की ज़रूरत होगी तो साबुन लगाऊँगी, नहीं तो ऐसे ही मलमल कर डाल दूँगी पानी के अंदर। तो बाल्टियों में मैंने पानी भर के पहले ही रखा हुआ है, कपड़े मलती रहूँगी और बाल्टी में डालती रहूँगी। ये है रुमाल, रुमाल तो उन लोगों के हो जाते हैं ज़्यादा ही गर्म, बच्चे भी लेके जाते हैं स्कूल में, पति लेती है लेके जाते हैं ऑफिस, तो बस ये मैं रुमाल को भी इस तरह से ही वॉश करती हूँ। आप देख सकते हो मैंने इसका साबुन लगा लिया और ऐसे ही मलकर कर दिया साफ, और पानी में ही डालती रहूँगी जिससे कपड़े हमारे अच्छे से साफ हो जाते हैं।
यहाँ पर ये लाइट कलर की टॉवल है, इससे डेली हैंड वॉश करते हैं तो ये टॉवल भी डेली ही धुली जाती है। तो यहाँ पर मैं इसको भी ऐसे ही मलकर साफ़ कर दूँगी, क्योंकि पानी हल्का गर्म डाला हुआ है तो उससे कपड़े काफ़ी हद तक साफ़ हो जाते हैं। इसीलिए मैंने कपड़े जब डिप किए थे पानी में तो हल्के गर्म पानी का भी इस्तेमाल किया है, उसी में मिक्स कर लिया था थोड़ा सा गर्म पानी, उससे हर कपड़े अच्छे से वॉश हो जाते हैं, अच्छे से साफ हो जाते हैं। यहाँ पर ये है शर्ट, तो शर्ट पर मैं कॉलर पर ब्रश लगाऊंगी और साबुन लगाऊंगी पहले, उसके बाद ही ब्रश लगाकर करूंगी इसको साफ। तो आप देख सकते हैं मैंने ब्रश तो लगा दिया है, हाथ से मैं इस तरह से मल देती हूँ और बहुत ही साफ हो जाती है ऐसे शर्ट। आप मशीन में इतना अच्छे से साफ़ नहीं होती है, जैसे आप हाथों से वॉश करेंगे तो शर्ट बहुत अच्छे से साफ़ होती है। पहले मैंने कॉलर को साफ़ कर लिया है, अभी पूरी शर्ट पर इस तरह से साबुन लगाती रहूँगी और मैं इस पर एक बार ब्रश मलूँगी और ऐसे ही इसको मलती रहूँगी हाथों से भी और ब्रश से भी, तो बहुत अच्छी शर्ट साफ़ हो जाती है इस तरीके से। यहाँ पर सारे शर्ट को मैंने फैला लिया है और पहले मैंने साबुन लगा दिया है, उसके बाद मैं ब्रश लगा दूंगी। ये बच्चों की ड्रेस हैं, ड्रेस इनके लाइट कलर की हैं, तो लाइट कलर के कपड़े इस तरह से बहुत अच्छे से साफ़ हो जाते हैं वॉश करने के बाद। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने इसके हाथों को और साफ कर दिया इस तरह से, एक बार खचल खचल के और बिल्कुल बढ़िया से कर दूँगी साफ, और पहले अपना डुब करने के बाद इसको भी पानी में डाल दूँगी। आप देखते हैं और कितना गंदा हुआ है, इसको भी इसी तरीके से पहले साबुन लगाऊंगी और उसके बाद ब्रश मारूंगी। उधर मैंने कलर कपड़ों को अलग डिप किया हुआ था, उनको भी टब में डाल लिया है और पहले मैं शर्ट धो लूंगी, उसके बाद ही कलर कपड़ों को धुलूंगी। कपड़े तो हम धुल गए हैं और पानी में बाद में डिप करूँगी। अभी मैं ये जो कलर कपड़े हैं मेरे द्वारा ऐसे ही पानी में छोड़ दिया है, यानी कि ऐसे पानी में दबा दबा कर इनको धुआ दूँगी, जिससे इनका जो गंदगी होती है वो छूट सी जाती है। और अभी मैं इनको भी इस तरह से मल दूँगी
कलर कपड़ों पर, तो किसी पर ही ज़रूरत होगी जो मैं ब्रूश लगाऊंगी, वरना मैं इसी तरीके से सारे कपड़ों को ऐसे ही मल दूंगी और कपड़े बहुत अच्छे से साफ हो जाएंगे। तुम देख रही हो मम्मी, स्माइल करो ना मम्मी, ऐसी रखा तुम दिख रहे हैं तुम्हारा चेहरा इसमें, ठीक है स्माइल कर लो। फ्रेंड्स यहाँ पर मेरे कपड़े मल तो चुके हैं सब, अभी मैं इनको पानी में डिप करती रहूँगी। तो यहाँ पर मैंने दो बाल्टियाँ भर ली हैं, एक टब ले रखा है, सारे बर्तनों में से मैं इन कपड़ों को निकालती रहूँगी। जब तक इसमें साबुन का असर रहेगा तब तक ही मैं इनको पानी के बीच से निकालती रहूँगी। तो यहाँ पर मैंने दो बाल्टियाँ भर रखी हैं और एक टब, तो जहाँ तक मुझे दिखेगा कि कपड़े से झाग निकल रहे हैं तब उसके बाद तक मैं निकालती रहूँगी। जब झाग निकलने बंद हो जाएंगे कपड़े से तभी मैं इनको एक साइड रखूँगी, उसके बाद ही मैं इनको सुखाऊँगी। तो यहाँ पर मैंने दो बाल्टियों के बीच से इनको निकाल दिया है और अभी कपड़ों में से हल्के हल्के झाग हैं, तो मैंने उधर टब भर रखा है और उसमें इन कपड़ों को डाल दूँगी और उसमें निकालूँगी इन कपड़ों को पानी से। तो शायद तब तक पानी हमारा साफ़ हो जाएगा, कपड़ों से साबुन नहीं निकलेगा। तो तीन चार बाल्टियाँ पहले ही भर कर रख लेनी चाहिए क्योंकि कपड़े में पानी बहुत लगता है और जब तक कपड़े में से साबुन के झाग निकलते हैं तब तक हम कपड़े को नहीं साफ कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने पहले लाइट कलर के कपड़ों को पानी से निचोड़ा है।
तो यहाँ पर ये हैं कपड़ों के कपड़े, इनको मैं बाद में ही डालूंगी। यहाँ से मैंने निकाल के दिया है व्हाइट कपड़ों को और इसके बाद मैंने कलर कपड़ों को इसमें धो दिया है। इससे हमारे पानी की बचत हो जाती है, उसी कपड़े में कलर कपड़े भी निकल जाएंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर टब में साफ पानी है और बिल्कुल भी झाग नहीं है और कपड़े साफ हो चुके हैं। तो अब मैं कपड़ों को एक बकेट में रख दूंगी और इसके बाद में सुखाऊंगी। तो यहाँ पर बिल्कुल भी पानी में ना तो साफ है ना साबुन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पानी हमारा नीचे साफ है। ऐसे ही मैं इनको एक बार अलग पलट करूँगी और इनको निचोड़ कर बकेट में रख दूँगी। सारे कलर कपड़ों को मैंने पानी से निकाल कर बकेट में रख लिया है और अभी जो कलर की कपड़े हैं उनको भी एक अभी इनमें से भाग निकलेंगे। तो इसलिए भरते हो जाएगी लेकिन भी साबुन हो जाएगी। इसलिए मैंने पहले ही एक एक्स्ट्रा बाल्टी भर के रखी है और उसी के अंदर हो जाएंगे। तो इसलिए लास्ट में मैं उस साफ पानी में ही निकाल देंगे जो कलर कपड़े मेरे लास्ट में भर रहे हैं। एक बाल्टी भर कर हो गए हैं लाइट कलर के कपड़े, इनको मैं साइड में कर दूँगी जिससे झाग वाला पानी कपड़ों में ना लगे। और अभी इसलिए बकेट में मैं कलरफुल कपड़े निकाल कर रख देती हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पानी काफ़ी हद तक साफ है। तो बस यहाँ से निकालूंगी और उस बाल्टी से निकाल के भी दस मिनट से ज़्यादा लेकर रख लेती हूँ बाल्टी में। पर मैंने दोनों बाल्टियों के कपड़ों को पानी में निचोड़ लिया है, अभी ये कपड़े सुखाने के लिए तैयार है। बहुत मेहनत करा दिया आज, तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दें और बताएं कि वीडियो कैसी लगी। अभी मेरे कपड़े धुल चुके हैं, इन्हें मैं सुखा के आती हूँ धूप में और दिखाती हूँ कितनी देर में सूख के हो जाएंगे तैयार। तो चलो कपड़े सुखाती हूँ। तो यहाँ पर मैंने कपड़ों को सुखा दिया है बाहर, आप देख सकते हैं कितने सारे कपड़े हैं और यहाँ पर बहुत तेज हवा चल रही है, कपड़े बहुत जल्दी सूख कर तैयार हो जाएंगे हमारे। और काफ़ी सारे कपड़े हैं तो यहाँ पर हवा भी है और धूप भी है, तो कपड़े हमारे 3 से 4 घंटे में सूख कर हो गए हैं तैयार। कपड़ों को मैं अंदर लेकर आ गई हूँ, आप देख सकते हैं कितने सारे कपड़े हैं जो मैंने आज हाथ से धुले हैं। तो कैसी लगी वीडियो आपको ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें, मुझे सपोर्ट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। दो बार के कपड़े धुलवा दिए हैं आज आप लोगों ने, क्योंकि आप सभी लोगों की रिक्वेस्ट थी कि एक बार हैंड वॉश कपड़े करके दिखाएं, तो वो मैंने आज किया है। तो मुझे उम्मीद है वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक करना न भूलें और आप वीडियो का